अपना सांझा पंजाब टीवी ते दोस्तों तुहाडा स्वागत। मैं भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों आन बान ते शान दी खातर पंजाब दियां ते खालसा पंथ दियां हक्की ते वाजब मंगां दी खातर शहादतां दे जाम पीण वाले गुरु प्यारे सिंह जिहड़े गुरु दी गोद दे विच जाप राजे उन्हां तों इलावा उह सूरबीर बहादुर योधे जिन्हां ने अपने हक्कां दी लड़ाई लड़ी और उस तों बाद उन्हां नूं समें दियां हकूमतां ने जेलों के बंद कर दिता। भारत दियां अड अड जेलों के बंद वो बंदी सिंह जड़े के किन्ना ही समा पहला दे सजावां पूरियां कर चुके ने पर बावजूद ये उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा। सो उन्हां दी रिहाई दे वास्ते पंजाब दे विच ही नहीं सगो पंजाबों बाहर भी दुनिया भर के जिथे जिथे सिख वसते ने उन्हां दी रिहाई दे लई जदोजहद हुंदी रहिंदी है। पंजाब दे विच लंबे समय तो यह सारी जदोजहद चल रही है पर बावजूद ये उन्हां बंदी सिंघां नूं रिहा नहीं किया जा रहा। हालांकि समय समय से हुकूमतों वालों ऐलान भी किया जाता है कि असी आउंदे समय दे विच उन्हां विचों कईआं नूं रिहा कर देंगे पर उन्हां सिंघां दे विचों कुछ सिंघ इदां दे हैगे ने जिन्हां नूं हाले तक कदे भी एक बार भी पैरोल तक भी नहीं मिली है। सो बीते दिनी दुनिया की राजधानी कहे जाते न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वेयर के भी बंदी सिंघां दे हक दे विच वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट की ह्यूमन राइट्स काउंसल दे वल्लों जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने प्रैस नोट सानूं भेजा हैगा, मैं तुहानूं प्रैस नोट भी हू बहू पढ़ के सुना दिंदा। उस तों इलावा जिहड़े मौके ते हाज़र वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के कोआर्डीनेटर सरदार हिम्मत सिंह तो इलावा होर जिहड़े आगू उत्थे हाज़र सीगे उन्होंने इस मौके ते जो आख्या उन्हां दी गलबात भी मैं तुहानूं सुणाऊंगा उन्हां दी ही जुबानी। सो जिहड़ा उन्होंने प्रैस नोट सानूं भेजा हैगा वह मैं तुहानूं हू बहू पढ़ के सुनाउणा चाहूँगा। वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट की ह्यूमन राइट्स कौंसल दे वल्लों अज टाइम स्क्वेयर विखे जथेदार भाई जगतार सिंह जी हवारा समेत समूह बंदी सिंघां दे हक विच वड्डे पोस्टर फोटोआं लगा के जिन्हां दे विच हर एक बंदी सिंह दे बारे डिटेल विच जानकारी सी प्रचार किया गया। नाल ही वैलफेयर कौंसल दे मैंबरां वल्लों इंग्लिश विच पैम्फलेट भी वंडे गए जिन्हां विच सिख सियासी कैदियों की सारी जानकारी दे नाल भारत की सरकार वल्लों गिरफ़्तार करन दी तारीख किहड़ियां धरावां लगाईआं गईआं किन्ने वरियां दी जेल हुण तक कट चुके ने ते हाले भी भारतीय कानून दे अधीन सज़ा पूरी करन दे बावजूद 26-26 ते 27-27 वरियां तों जेलां दीआं चार दीवारियां दे अंदर बंद हन। जालम सरकार वल्लों सियासी सिख कैदियों नूं गैर कानूनी तरीके नाल जेलां विच बंद किया होया है जदों कि राजीव गांधी दे कातलां नूं मोदी दी हकूमत ने रिहा भी कर दिता सी। इन्हां तों इलावा प्रिग्या साधवी जिहदा कि बॉम्बे दे बंब धमाकियां दे विच हत्थ सबूतां दे नाल साबित हो चुका सीगा फिर भी उन्हूं इलैक्शन लड़ा के मोदी की हकूमत ने मैंबर पार्लीमेंट बनाया होया है। जबरजना तो इलावा कातल साध राम रहीम वर्गे ते आसाराम वर्गे साध जड़े कि सजावां भुगत रहे ने उन्हां नूं भी सरकार वल्लों पैरोल दित्ती जांदी है। इदां दे हालातां विच सिख सियासी कैदियों के बारे इत्थे लोगों नूं जागरूकता पैदा की गई है। मोदी दे मुख्यमंत्री हुंदिआं गुजरात विच बिलकिस बानो नां दी मुसलमान औरत दे नाल समूहिक जबर जनाह करन वाले कट्टड़ हिंदू अतवादियों नूं जदों 15 अगस्त नूं मोदी लाल किले तो अपने संदेश विच औरतां दे मान सत्कार की गल कह रहा सीगा उसे मौके मोदी सरकार वल्लों बिलकिस बानो दे जबर जनाह करन वाले दोषियों नूं रिहा कर दिता गया। यह दोहरा मापदंड भारतीय सरकार वल्लों सिखां तो इलावा होरना घट गिणती कौमां दे नाल भी अपनाया जांदा है, खास करके पंजाब दे सिख नौजवान जिन्हां नूं सजावां पूरियां होण दे बावजूद भी छड्डिया नहीं जा रहा। सो न्यूयॉर्क दुनिया की राजधानी कहा जाता है जिथे कि वड्डी गिणती च सैलानी आउंदे हन उत्थे अंग्रेजी दे विच सारी जानकारी दे नाल लिटरेचर भी वंडिया गया। उत्थे सब तो विशेष गल ये रही कि अज उत्थे ब्राज़ील दे लोग भी इनसाफ वास्ते प्रदर्शन कर रहे सन ते उन्होंने भी बंदी सिखां दे मसले नूं समझण तों बाद सिखां दे नाल शमूलियत कीती ते सोशल मीडिया ते इस मसले नूं उभारन दे लई सहयोग दा भरोसा दिता। यह सारी जानकारी लैण तों बाद सैलानी ते होर लोग मूँह विच उंगलां पा रहे सन कि सिखां दे नाल भारत दे विच हकूमत इन्ना ज़्यादा धक्का कर रही है। अज टाइम स्क्वेयर विच वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट दे कोआर्डीनेटर सरदार हिम्मत सिंह मैसाच्यूसेट्स तों वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट वैलफेयर कौंसल दे सरदार गुरनिंदर सिंह धालीवाल ते बलजिंदर सिंह स्वैनिरका कौंसल वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट दे सरदार हरमिंदर सिंह सरदार कुलदीप सिंह न्यूयॉर्क ते होर भी नुमाइंदियां ते पंथक शख्सियतां ने सिख सियासी कैदियों के मुद्दे ते भरपूर सहयोग किया ते प्रण किया कि यह लड़ाई उन्ना चिर जारी रहूंगी जिन्ना चिर साडा एक एक बंदी सिंह रिहा हो के आपो अपने घरां दे विच नहीं पुज जांदा। इस मौके वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के कोआर्डीनेटर सरदार हिम्मत सिंह तो इलावा सरदार धालीवाल होरां ने भी अपने विचारां दा प्रगटावा किया, सुनदे जायो उन्हां दी गलबात। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
अच दुनिया की जानी जाती राजधानी टाइम्स के न्यूयॉर्क स्थित असी खड़े हाँ। साडे जिहड़े पोलीटिकल सिख प्रिजनर उन्हां दी जिहड़ी आ रिहाई दी बंदी सिंघां दी जिहड़ी गल आ आवाज़ नूं बुलंद किया जा रहा टाइम स्केयर दे उत्तों इंग्लिश दे विच पैंपलेट जिहड़े असी उह वंडे जा रहे आ। पिक्चर हैगियां डिटेल्ड जिहड़ियां हैगियां साडे प्रिजनर जिहड़े बंदी सिंघां दीआं जिहड़े साडे लंम्मिआं समां तों भारतीआं जेलां च बंद हन ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਵਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ लाल किले तो यह गल कह रहा सी कि जो औरतां दे हक आ जो उन्हां दी इज्जत आ उहनूं भारत दे विच बरकरार रखना चाहीदा उन्हां नूं पूरी रिस्पैक्ट देनी चाहीदी आ। उसे ही वेले बिलकिस बानो दे जिहड़े रेपिस्ट कातल उह बंदिआं नूं रिहा जिहड़ा भारतीय हुकूमत ने कीता आ। इसे तरह बहुत सारे होर जिहड़े राजीव गांधी दे कातल सी उन्हां नूं रिहा कीता गया। राम रहीम सौदा साध वर्गे जिहड़े आसा राम वर्गियां नूं पैरोल मिलदी पर साडे जो बंदी सिंघ आ 26-26 सालों तो भारत दीआं जेलां दे विच बंद हन अज उहनां दी रिहाई वास्ते असी न्यूयॉर्क स्थित टाइम स्केयर दे उत्ते जिते दुनिया भर तों विजिटर विजिट करदे आ अज बहुत वड्डी तादाद विच हमेशा ही इत्थे लोक रहिंदे आ उहनां विच पैंपलेट वंडे जा रहे आ अपनी गल नूं जिहड़ी झूठी डेमोक्रेसी आ भारत दी ਉਹ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ 7 ਰੇਪਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।